हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त दिग्विजय सिंह झाला। आज हमारे वैकुंठ मेगा टाउनशिप में एक तरफ भजन संध्या चल रही है और दूसरी तरफ माखन चोर के लिए हम लोग मटकी लगा रहे हैं। इसमें एक मटकी में चॉकलेट रहेगा और एक दूसरे मटकी में दूध दही और मक्खन रहेगा, जिसके लिए हमारे सोसाइटी के सभी वॉलंटियर बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हो। हर बार मटकी फोड़ने का आयोजन मंदिर के अंदर होता है और इस बार ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम लोग ये मटकी फोड़ने का प्लानिंग बाहर कर रहे हैं, थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि इसको हाइट पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कम से कम 3 या 4 तो लेयर करना ही है फोड़ने वालों को, ताकि सबको मज़ा आए। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। मटकी फोड़ने वाले ग्रुप के ऊपर पानी उड़ाने के लिए और गुलाल उड़ाने के लिए भी हमने प्रिपरेशन किया है, वो भी हम पहले से लेके आए थे। बैकग्राउंड में मंदिर कमेटी भी अपना काम कर रहे हैं, अंदर मंदिर डेकोरेशन और कृष्ण जन्म की तैयारियां चल रही है। तो अभी 12 बज गए हैं, फटाफट के साथ कृष्ण भगवान का स्वागत किया जाएगा। सबके चेहरे पे खुशी देखिए, ये लोग सभी कान्हा का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। उनका स्वागत होगा, उनकी पूजा होगी और उसके बाद हम मटकी फोड़ने चलेंगे। तो चलिए आपको मंदिर परिसर में लेके जाता हूँ। बहुत ही बढ़िया झूला डेकोरेशन किया है, राधा कृष्ण की मूर्तियों को भी बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया है। ये भी मंदिर कमेटी ही करती है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए अब धूम मचाते हैं, प्रोग्राम के एंड में आ गए हैं, अभी मटकी फोड़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही कॉमेडी होगी। Yeah!
पहले ग्रुप ने पहली मटकी जब इजीली फोड़ दी तो हमने पानी की बौछार ज़्यादा चालू की, इसलिए दूसरा ग्रुप फेल हो गया। इसलिए तीसरे ग्रुप को लाए, तीसरे ग्रुप में सभी बड़े बड़े लोग थे, इसलिए इजीली फिर से मटकी फोड़ दिया गया। हमने रस्सी के ऊपर चॉकलेट और केले भी लगाए थे, उसके लिए भी सबने बहुत मेहनत की, बहुत मज़ा आया। मटकी फोड़ने के बाद तुरंत ही प्रसाद वितरण स्टार्ट हो गया। सभी लोग प्रसाद लेने के लिए मंदिर में वापस आए। जिन जिन लोगों ने भगवान की पूजा नहीं की थी या दर्शन नहीं किए थे, वो लोग दर्शन करने के लिए गए। हमें काफ़ी सारे लोगों से फीडबैक मिला कि बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो सक्सेसफुल रहा। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मुझे सभी लोगों को धन्यवाद कहना है, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें काम किया, इसमें मेहनत की और यहाँ पे आके इस अवसर को और बढ़िया बना दिया, उन सबको थैंक यू। मैं मंदिर कमेटी और सोसाइटी कमेटी को भी दिल से थैंक यू कहूँगा कि दोनों ने साथ में मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। अभी कुछ दिनों में गणपति महोत्सव आने वाला है, तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।